हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड ज्ञान में। दोस्तों, ओप्पो और रियलमी के फ़ोन में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे फीचर्स होते हैं। ओप्पो और रियलमी में ही क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही कंपनी के ब्रांड होते हैं, जिसके कारण दोनों को फीचर्स एक जैसे ही दिए जाते हैं। तो ये वो क्या फीचर्स है और कैसा है, उसका यूज कैसे करें, उसका क्या यूज है और उसका क्या बेनिफिट है, मैं आपको वीडियो में बनाऊँगा और आपको पूरी अच्छी तरीके से उसे बताने की कोशिश करूँगा। और आपको कोई भी दिक्कत होगा तो उसे मैं सोल्यूशन भी जरूर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तब, और नहीं लगेगा तो लाइक मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने वीडियो को फेक वीडियो नहीं बताना चाहता हूं। और हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो फिर एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो हर दिन लाए जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखकर आपको खुद ही खुद यकीन हो जाएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। और आपको मैं बताता हूँ सेटिंग्स के बारे में। सिंपली से मैं अपना सेटिंग को सबसे पहले ऑन कर देता हूँ। सेटिंग को ऑन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस सिक्योरिटी से सेटिंग पे उस पर टैप कर देना सिंपली से आपको। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब आते हैं तो आपको देखने को क्या मिलता है, किड्स स्पेस और एक प्राइवेट सेव। तो ये दोनों के बारे में बताऊँगा आपको कि ये दोनों क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना किड्स के स्पेस के बारे में बताता हूँ। अगर आप इसमें इंटर कर जाते हैं, अगर आप इसमें यहाँ पर देख लो कि इंटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इस जगह पे। अगर इसमें आप इंटर कर जाते हैं तो आपको, अब अगर आप अपने बच्चे को या फिर किसी को फ़ोन देते हैं तो एक ही ऐप को, जिस ऐप को आप सेलेक्ट कीजिएगा वही आपको वो चला पाएगा। जैसे कि मैं आप यहाँ पर आपको अलाउ ऐप का ऑप्शन देख रहा है, मैं इस पर सिंपल स्टेप कर देता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, मैं एक दो ऐप यहाँ पर देखो, फेसबुक को, कैन मास्टर को, ये दोनों को मैं आप अलाउ करता है। अगर मैं किसी अपने बच्चे उच्चे को फ़ोन देता हूँ तो वो यहाँ पर से दो ही ऐप को यूज कर पाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पर, वो कितना देर तक यूज कर पाएगा, तो 30 मिनट। इससे बेसिक वो यूज़ नहीं कर पाएगा वो जिस मेरे फ़ोन को। तो अगर आप, मैं यहाँ पर से इंटर कर जाता हूँ तो यह थी मेरी पहला सेटिंग। बात आती है दूसरा सेटिंग की। दूसरा सेटिंग है मेरा प्राइवेट एंड सेफ। मैं इसे ऑन करूँगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखा देगा, ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ये प्राइवेट एंड सेफ है, क्योंकि प्राइवेट चीज़ मैं इसमें सेव करके रखता हूँ। तो मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, पूरा ब्लैक का स्क्रीन देखने को मिलेगा। सिंपली मैं आपको यहाँ दिखाता नहीं हूँ, बैक करके आपको ले जाता हूँ अपने थी पे। तो आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर आपने किसी भी फोटो या फिर गैलरी को प्राइवेट एंड सेफ में सेव कर सकते हैं। सिंपली मैं अपने इस फोटो को प्राइवेट एंड सेफ में सेव करके बताता हूँ कहाँ से। तो आपको यहाँ प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहा होगा, आप यहाँ पर सिंपली से टैप कर दें। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा होगा सेकंड नंबर प्राइवेट एंड सेफ। अगर आप इस पर टैप करते हैं तो ये फोटो ऑटोमेटिकली मेरे वहाँ पर जाकर सेव हो जाएगा। तो यही रही मेरे आज की वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।